हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी हमने रेड हैट 8 इंस्टॉल करना शुरू किया है, वेट करते हैं लोडिंग लोड होने का। ये सारी सर्विसेज रिक्वायर्ड पैकेजेस एज वेल एज रिक्वायर्ड हार्डवेयर को चेक कर रहा है, अभी सारे डेमोन्स को चेक कर रहा है कि जो रिक्वायर्ड है हमारे सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए वो अवेलेबल है कि नहीं। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन जो जो हमें सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें इंस्टॉल कर रहा है, अभी इंस्टॉलर स्टार्ट हो रहा है, वेट करते हैं। थोड़ा सा समय ले रहा है क्योंकि जिस सिस्टम पे अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसमें थोड़ी सी रैम कम है। थोड़ा सा समय लग रहा है, वेट करते हैं हम। तो आते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास लैंग्वेज सेलेक्ट करने का कि कौन से लैंग्वेज में, तो हमने ऑलरेडी इंग्लिश यूनाइटेड सेलेक्टेड है, हम इसको ओके करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा तो समय लग रहा है, वेट करते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन हमें मिल रही है उसमें हमारे पास कीबोर्ड लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, सिस्टम इंस्टॉलर डेस्टिनेशन, लैंग्वेज सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, केडम, डेट एंड टाइम, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड सिस्टम पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कीबोर्ड लैंग्वेज की जो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। बात करते हैं अब इंस्टॉलेशन सोर्स की। तो इंस्टॉलेशन सोर्स में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लाइक अभी मैंने VMware बना रखा है तो ऑलरेडी मैंने ISO इमेज इसको प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम कहीं और से ISO इमेज देना चाहें किसी URL के थ्रू तो URL के थ्रू दे सकते हैं। अगर हम कोई पेन ड्राइव के सेलेक्ट करते हैं तो पेन ड्राइव दे सकते हैं। अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ डन पे क्लिक करूँगा। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन की। हमारे लिए बहुत ही मेन फैक्टर होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम दो तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, एक तो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, दूसरा कस्टम इंस्टॉलेशन। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन में ये होगा कि जो भी हमारे लिनक्स के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फाइल सिस्टम होंगे वो ऑटो क्रिएटेड हो जाएंगे। इन फ्यूचर आपको जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा अपने अनुसार क्रिएट करना। लेकिन कस्टम में क्या होगा कि आप जो 6 फाइल सिस्टम्स होती हैं जो हमारे सर्वर के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो आपको 1x1 अकॉर्डिंग टू आपको जितनी साइज चाहिए जिस फॉर्मेट चाहिए आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं एंड डन करते हैं, वेट करते हैं। डन करने के बाद मैंने एक बार और कोशिश की थी जिसकी वजह से ये स्पेस नहीं दिखा रहा। मैं रिक्लेम स्पेस कर रहा हूँ ताकि जो स्पेस है अभी फिलहाल मैं सबको डिलीट करके रिक्लेम स्पेस किया मैंने। अभी मैंने डेस्टिनेशन दे दिया। लैंग्वेज हम लोग ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में हमारे पास फिलहाल 6 ऑप्शन से बेस इन्वॉल्वमेंट जो रिक्वायरमेंट होता है, एक है सर्वर विद GUI, दूसरा सर्वर मिनिमल इंस्टॉलेशन, वर्क स्टेशन, कस्टम ऑपरेशन सिस्टम, वर्चुअल होस्ट। तो देखिए सर्वर विद GUI है, इसमें आपको क्लाइंट CLI मोड एज वेल एज ग्राफिकल मोड मिलता है। सर्वर में आपको सिर्फ क्लाइंट मोड मिलता है, इट मीन्स CLI मोड मिलता है। मिनिमल में भी आपको CLI मोड मिलता है। वर्क स्टेशन एक क्लाइंट की तरह इंस्टॉल होता है। कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के कस्टम रिक्वायरमेंट होता है। अगर लाइक आपने KDAM में कर्नल में कुछ चेंजेस कर रखे हैं तो उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल के लिए अगर वर्चुअल इंस्टॉल, तो फिलहाल हम सर्वर विद GUI इंस्टॉल करते हैं। बाकी ये जो पैकेजेस हैं एक्स्ट्रा पैकेजेस एडिशनल हैं उन्हें हम बाद में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एक एक करके इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो चलिए अभी मैंने सर्वर विद GUI सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे ग्राफिक्स मोड चाहिए। अब मैंने डन पे क्लिक कर दिया, वेट करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन का। और यहाँ पे हम आते हैं KDAM में। KDAM ऑटो, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है, और अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं डेट एंड टाइम पे। फिलहाल मैं इंडिया से हूँ तो मैं
इंडिया का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैप है क्योंकि ये ज़्यादा है, मैप से सिलेक्ट करना, तो मैंने एशिया स्पेसिफिक कोलकाता जोन को सिलेक्ट किया है। एंड मैंने यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं 24 टाइम या फिर AM PM। सो नाउ मैं जो मेरे लिए कंफर्टेबल है मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेट एंड टाइम मैंने चेक किया, डेट एंड टाइम सही है। अगर मैं नेटवर्क से टाइम लेना चाहता हूँ तो यहाँ से ऑफ ऑन कर दूंगा, तो जो भी हमारे नेटवर्क के अकॉर्डिंग टाइम होगा वो ऑटो सिंक हो जाएगा। तो फिलहाल मैं उसे ऑफ रखता हूँ, इन फ्यूचर हम उसको ऑन करना सीखेंगे। सो नाउ हमने डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लिया, अब हम बात करते हैं यहाँ से अगर चाहें, अगर यहीं पर कोई नेटवर्क कनेक्ट करना चाहें या कोई सिक्योरिटी पॉलिसी लगाना या पर्पस कोई देना चाहें तो हम दे सकते हैं, लेकिन नहीं मैं यहाँ पे करूँगा क्या, जो भी चीज़ें हम बाद में करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन इनिशिएट करता हूँ। अब देखिए इस स्क्रीन पे हमें क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, रूट, एक रूट अकाउंट होता है जो किसी भी लिनक्स मशीन के लिए सुपर यूजर बोल सकते हैं, या एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है जिसका हमें सिर्फ यहाँ पासवर्ड देना होता है, ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। और दूसरा एक यूज़र हमें क्रिएट करना कंपलसरी होता है, क्योंकि जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो आइए हम पहले सबसे पहले रूट का पासवर्ड दे रहे हैं, तो चूंकि ये हमारा एक टेस्टिंग पर्पज से हम इंस्टॉल करें तो मैं इसका पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब अकॉर्डिंग टू लिनक्स पॉलिसी बोला है कि पासवर्ड बहुत ही स्मॉल है, पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी तो हम चेंज कर लेंगे। चलिए पासवर्ड हम कंफर्म करते हैं 1 2 3 4 5। नाउ मैं डन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एक बार में डन पे नहीं लेगा क्योंकि पासवर्ड पॉलिसी मैच नहीं हो रही है, दूसरी बार में इसने डन पे ले लिया। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट यूजर क्रिएशन की, तो मैं एक अपने ब्लॉग के नाम से ही यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, इस नाम से आप यूट्यूब पे मुझे फाइंड कर सकते हैं, या ठीक इसी नाम से आप मुझे मेरा ब्लॉग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आते हैं तो ये जो अगर आप चाहते हैं इस यूज़र को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूज करना तो भी आप यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल यूज़ करें, तो फिलहाल मैं इसे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर रहा हूँ। एंड पासवर्ड मैं इसका भी सेम रख रहा हूँ 1 2 3 4 5। दूसरा पासवर्ड देता हूँ मैं, कंफर्म कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। बाकी हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे डन कर देते हैं। सेम दोबारा हम मुझे टाइप करना पड़ेगा क्योंकि ये पासवर्ड अकॉर्डिंग टू लिनक्स ये पासवर्ड पॉलिसी मैच नहीं हो रही है, बट फिर भी हम अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेता। अब ये दोस्तों कुछ टाइम लेगा, तो अभी यहाँ पे प्री ट्रांजिशन फ्रॉम इंस्टॉलेशन चल रहा है, पोस्ट इंस्टॉलेशन चलेगा, एंड बाकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल होंगे जो हमने जब सर्वर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन था, जो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन था, वहाँ पे जिस प्रकार से हम सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे ये एप्लीकेशन या पैकेजेस वो इंस्टॉल करेगा। तो फिलहाल मैं कुछ टाइम के लिए इसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली आपको हाफ एन आवर लगेगा, तो कुछ टाइम के लिए मैं इसे पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, और मिलते हैं रिकॉर्डिंग के इंस्टॉल एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। तो मैंने अभी तो देखिए ये मैंने बोला था आपको कि काफ़ी टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में, और जो भी हम सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे जो भी पैकेज जो भी सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये पैकेज इंस्टॉल करता है। तो अभी हमने मिनिमम विद GUI सर्वर GUI सिलेक्ट कर रखा है, तो देखिए उसमें 1348 पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो वीडियो को हम कुछ टाइम के लिए और रोकते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई है। ना हमारे पास ऑप्शन है रिबूट करने का, तो हम मशीन को अभी रिबूट करते हैं एंड वेट करते हैं नेक्स्ट लॉगिन स्क्रीन का, और देखते हैं कि क्या कोई एरर आ रहा है, क्या हमारा इंस्टॉलेशन प्रॉपरली कंप्लीट हो गया। अभी रिबूट हो रहा है, देखते हैं, हमें कुछ और सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम वेट करते हैं। इंस्टॉल नहीं हो रहा है, मैं
ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो जब भी आप कभी वर्चुअल मशीन से इंस्टॉल करें सिस्टम को, एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमें मशीन की इंस्टॉल होने के बाद मशीन की इंस्टॉलेशन मीडिया को रिमूव करनी होगी। मैं अभी मशीन को बंद कर रहा हूँ और इसकी सेटिंग में जाके स्टोरेज है इसको मैं बूटिंग ऑप्शन जो फर्स्ट है उसे मैं चेंज कर रहा हूँ और फर्स्ट ऑप्शन हार्ड ड्राइव को रख रहा हूँ एंड ओके कर रहा हूँ एंड देन फिर से मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी वर्चुअल मशीन की सेटिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी वेट करते हैं, मशीन स्टार्ट हो रही है दोबारा से और देखते हैं। अभी कोई एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने वर्चुअली, आप देखिए हमारे पास स्क्रीन आ गई है, मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके लॉगिन कर रहा हूँ। अभी लॉगिन हो रहा है, लॉगिन विंडो से पहले जो हमारे पास, देखिए अब हमारे पास एक जो रेड हैट 8 का कंसोल है वो हमें दिख रहा है। अब मैं वेट करता हूँ लॉगिन स्क्रीन तक आने का। थोड़ा सा समय लग रहा है, तब तक आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग को फॉलो करें। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मैसेज बॉक्स में ब्लॉग पे मैसेज कीजिए, हम आपको विद इन 24 आवर वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे। वेट करते हैं लॉगिन स्क्रीन का। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपडेट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी आप लेना चाहते हैं मैं और हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। वेट करते हैं, थोड़ा समय लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे सिस्टम में, होस्ट मशीन में रैम थोड़ी कम है, इस वजह से थोड़ा समय ले रहा है। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन जो आई है लाइसेंस इंफॉर्मेशन एंड सब्सक्रिप्शन मैनेजर। तो अगर आप सब्सक्राइब यूजर हैं तो आप सब्सक्रिप्शन डिटेल्स यहाँ पे एंटर कीजिए, अपना लॉगिन इन्फॉर्मेशन दीजिए या फिर आप लॉगिन स्क्रीन लीगल इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के बाद आप बाद में भी इसे सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, आप अगर पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो लाइसेंस एग्रीमेंट होंगे, कुछ हिडेंस होती हैं, कुछ नहीं होती, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इस पे डन पे क्लिक करता हूँ और मैं अपनी इंस्टॉलेशन करता हूँ। वेट करते हैं, इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्क्रीन क्या आ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या मिल रहा है। मेरे लिए भी रेड हैट 8 लिनक्स है, मेरे लिए भी जो रेड हैट 8 है वो नया है, तो मुझे भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बट इस वीडियो से आप प्रॉपरली कैसे रेड हैट लिनक्स को 8 को इंस्टॉल करना है आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए आप हमें फॉलो कर सकते हैं या हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसमें सुधार करें और आपको नई चीज़ें प्रोवाइड करें। अब आइए, हमने एक यूज़र क्रिएट किया था वो है यहाँ पे और अब अभी हम रूट से लॉगिन करते हैं। तो मैंने रूट दिया एंड पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 दिया था, मैं इससे लॉगिन करता हूँ। वेट करता हूँ मेरे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। काफ़ी कूल फीचर्स हैं रेड हैट 8 के, मैंने भी पढ़े हैं और आगे हम इसको आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होंगी उसमें देखेंगे।
एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो की सीरीज में, रेड हैट की सीरीज में हम आपको सारे फीचर्स बताएंगे। रेड हैट पूरी जो कोर्स है वो हम कंप्लीट करेंगे इसमें। तो हम वेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास रेड हैट इंस्टॉल होकर उसका डिस्प्ले ग्राफिकल इंटरफेस हमारे सामने है।